हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में। नेस्टेड फॉर लूप का एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेस्टेड फॉर लूप का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर कोड मैंने, देखिए ये वो कोड है जो मैंने लिखा है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ हेडर फाइल है और यहाँ इंट मेन मैंने यूज किया है। आप मेन फंक्शन भी सीधा सीधा यूज कर सकते हो। और यहाँ एक वेरिएबल आई, दूसरा वेरिएबल बी, ये बनाया इंट टाइप का। और यहाँ फॉर लूप लगाया है जिसमें i में इनिशियलाइज किया है हमने 1 और j इज, फिर i इज लेस देन इक्वल टू 10 किया, यानी कि i 9 तक ही चलेगा, 10 तक नहीं जाएगा। और i प्लस प्लस यानी i की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, यानी 10 तक तो चलेगा लेकिन 9 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर यहां पर देख सकते हैं ये है फॉर j इज इक्वल टू 1, j में भी 1 इनिशियलाइज किया है, j less than equal to 10 किया है, फिर j plus plus किया है, तो सेम वही प्रोसीजर है। और यहाँ परसेंट डी इंटू परसेंट डी, परसेंट डी इंटू परसेंट डी का मतलब हो जाएगा पहले 1 है तो 1 जब 1 इंटू 1 होगा, फिर 1 इंटू 2 होगा, ऐसे करके चलेगा और i और j का मल्टीप्लीकेशन होते चलेगा। यानी कि जिस तरीके से टेबल प्रिंट करी जाती है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में ये लिख करके आएगा। और यहाँ बैक स्लैश n लगा दिया ताकि लाइन चेंज होती रहे। चलिए इसको चलाते हैं एक बार। तो यहाँ से बिल्ड पे चलेंगे, कंपाइल करवाएंगे। सबसे पहले कंपाइल करवाते वक्त ही हम इसको सेव कर लेंगे टेबल के नाम से, टेबल डॉट सी कर लिया मैंने। और अब इसको रन करवा देना है, तो यहाँ से चल करके इसको रन करवा देते हैं। तो जैसे ही रन करवाएंगे ये देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 1 into 1 = 1, 1 into 2 = 2, 1 into 3 = 3, ऐसे करके पहले 1 की टेबल प्रिंट हुई, फिर 2 की टेबल प्रिंट हुई, फिर 3 की टेबल प्रिंट हुई, फिर 4, 5, 6 देख सकते हैं इस तरीके से, और फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, यानी 10 तक की टेबल ये ऑटोमेटिक प्रिंट कर दे रहा है, देख सकते हैं ना। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि परसेंट डी इंटू परसेंट डी किया गया इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आई और जे की वैल्यू को प्रिंट करा दिया गया है, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है।